सही बात है। तो फाइनली हम घराट के अंदर आ गए हैं, लोगों ने यहाँ रुपाई भी लगा रखी है। तो चलिए जी, बकरी वाले भी अपनी बकरियों को चरा के अब घर आ गए हैं। और बाकी आलोक भाई को मिलने छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं। इन्होंने ड्रोन को उड़ते हुए देखा तो इन्होंने बोले ये छोटा हेलीकॉप्टर कहाँ से आ रहा है। तुम जानते हो आलोक भाई को, वीडियो देखते हैं। आलोक भाई आगे आगे जा रहे हैं तो ये भी आलोक भाई के पीछे पीछे जा रहे हैं। जितनी भी बकरियां होती है उनके सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो भोटिया कुत्ते होते हैं। तो चलिए जी, रात की 8 बज रही है और अभी हम आलोक भाई की वीडियो को अपलोड करने आ रखे हैं यहाँ पे। चलिए जी, रात की 8:30 बज चुकी है और अब यहाँ गर्मा गर्म चाय ला दिया अनिता ने। बाकी आलोक भाई की वीडियो भी अपलोड हो गई, तो कैसा लग रहा भाई? अब बढ़िया लग रहा है। चलिए जी, आज की ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है काफ़ी देर से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। कल शाम को हमारे घर में एक स्पेशल मेहमान आ रखे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे आलोक भाई। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। तो आलोक भाई कल शाम को आ गए थे यहाँ, तो अभी हम जा रहे हैं वीडियो अपलोड करने यहाँ से सेम मुख्य माली रोड पे, जो कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। तो चले चलते हैं फिर। चलो, क्योंकि नेटवर्क इशू है तो आलोक भाई ने वीडियो अपलोड नहीं की, तो मैं भी करता हूँ। तो हमने नाश्ता कर लिया, सीधे निकलते हैं यहाँ से फुल पावर में। तो भाई साहब, फाइनली भाई साहब ने तो बाइक लाई ऊपर, लेकिन मैं गोप्रो लेके पीछे से भागा। मात्र 10 से 15 सेकंड भागा, मेरा इंजन गर्म। मैंने बोला रुको, थोड़ा सांस ले लेते, नहीं तो प्राण छूट जाएंगे। बाकी मुस्कुराहट तो देख रहे हैं आप हमारे भाई साहब की, इनका वीडियो शूट करने के बहाने भागा मैं उधर। आज पहली बार इस चढ़ाई पे भागा भाई, आज बहुत कुछ झेलना पड़ता है यार ब्लॉगरों को। तो हमारे पास फिर से गोप्रो दिया जा रहा है, निकलते यहाँ से अब जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करते हैं। लोगों को कमेंट आ रहे हैं भाई वीडियो नहीं आई, अब यही करना पड़ता है हमें। अब देखो यहाँ से दूर जाना पड़ रहा है। चलिए जी, फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं और यहाँ पे जो नेट की स्पीड है काफ़ी अच्छी आती है और ये जो सड़क जा रही है सेम मुखिम के लिए जा रही है। बाकी अपने अपनी वीडियो अपलोड लगाते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से घर, क्योंकि यहाँ जो धूप है ना बड़ी जोर से लग रही है धूप। और बाकी भाई मैंने वीडियो अपलोड लगा दी, बाकी आलोक भाई भी लगा रहे हैं। और अभी मैंने देव भाई को फ़ोन किया कि मैं यहाँ पे आ रखा हूँ, तो उनको पता नहीं कि हमारे पहाड़ी बाइकर भाई भी आ रखे हैं यहाँ। तो हमने सोचा उनको सरप्राइज देते हैं, क्योंकि उनका गाँव यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर है। तो वो बोल रहे कि मैं आ रहा हूँ, पर उनको पता नहीं कि आलोक भाई भी आ रखे हैं यहाँ। तो मैंने सोचा कि उनको सरप्राइज देंगे, तो देखते कितने देर में आते हैं भाई। अब अगर मैं बोलता आलोक भाई आ रहा तो शायद जल्दी आ जाता, लेकिन अब वो अपने हिसाब से आएगा, घर की मुर्गी दाल बराबर हूँ ना मैं उसके लिए। तो चलो, जब भी है आएगा तो जरूर हो, और उसके रिएक्शन नोट करते कैसा लगता है उसको। उसको भरोसा ही नहीं होगा आलोक भाई इतने दूर से आ गया यार। आलोक भाई सरप्राइज देना, ठीक है? तो हम सोच रहे हैं कि वो यहाँ से आएंगे तो सीधे बाइक पर नजर पड़ेगी तो पहचान लेगा। बाइक को हम यहाँ इस बैंड के पीछे रखते हैं, ठीक है? देखिए जी, हमने एक प्लान बनाया है कि देव भाई आते हैं तो एकदम सरप्राइज थोड़ा और खतरनाक करते हैं। तो मैंने देव भाई को कॉल किया और बोला कि मैंने यहाँ पे एक गोप्रो पाया है, यानी कि सड़क पे गिरा हुआ था। तो देव भाई ने कहा कि फोटो भेजो, तो मैंने कहा फोटो नहीं भाई, इधर आ जा तो जल्दी आ, नहीं तो मेरे को डर लग रहा है। तो देव भाई घर से आने वाले हैं और ये एक्चुअली गोप्रो है आलोक भाई का। तो हमने सोचा एक प्रैंक भी हो जाएगा तो थोड़ा मजा भी आएगा, इंटरटेनमेंट हो जाता है। बाकी आलोक भाई की बाइक हमने यहाँ पे रख दी है, तो इस बैंड से भाई देख लेंगे, नहीं तो आलोक भाई वहाँ बैठ के छांव में। तो चले जी, मैं यहाँ पर खड़ा था, वीडियो अपलोड कर रहा था, तब तक अपना कॉलेज का दोस्त मिल गया, हमने साथ में किया 10वीं 11वीं 12वीं, आज टॉपर है दोनों। क्या हाल है भाई? भाई तो कम से कम गाड़ी चला रहा है, लेकिन तुम्हारा भाई तो यहाँ लगा है खड़े रहने पे धूप में। तो दोस्त मिला, दोस्त ने कहा चल बल मेरे साथ, तो भाई मैं आ रखा हूँ बाइक लेके, और ठीक है ना? और भाई की शादी भी हो गई, और एक और बताया कि भाई चाचा बन गया। बहुत बहुत बधाई यार, ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। ठीक है भाई, ठीक है फिर मिलते हैं। चलिए जी, फाइनली अपना देव भाई आ गया और बिल्कुल ब्लॉगिंग करते करते आ रहा है। तो देखिए अपना देव भाई पहुंच गया यहाँ। क्या हाल है? रुक जाओ। तो देखिए जी, देव भाई ने आधे घंटे पहले बोला था मैं तुरंत आ रहा हूँ। तो दोस्त ऐसे होते हैं, यानी कि अगर एक दोस्त मर गया ना तो उसके पीछे एक दोस्त का ही हाथ होता है। मैं पिछले आधा पौन घंटे से यहाँ पे धूप में सड़ रहा हूँ, लेकिन नहीं भाई बोल रहा है तो नाश्ता कर रहा हूँ, क्या लाऊं? कोल्ड ड्रिंक लाऊं? मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक ले क्या, लेकिन भाई नाश्ता कर रहे हैं, मतलब बेवकू बना रहा था कुछ आ रखा सामने पे। तो भाई को मैं थोड़ा एक सरप्राइज देना चाह रहा हूँ। मैंने बोला ना आपसे कि मेरे को आज गोप्रो मिला, तो भाई ये जिसका भी होगा हम दे देंगे यार। ये मिला गोप्रो, देख रहे भाई है, यहाँ पे पड़ा हुआ था। इस बेचारे को छोटा होगा उसका, ब्लॉगर समझ सकते हैं इस बात। सही बात है, लेकिन हम ये लौट आएंगे। हाँ, कैसे करेंगे पता है? असद ये बेटा रिकॉर्डिंग भी चल रही है, इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है, बंद कर दिया। अच्छा, लेकिन इसमें रिकॉर्डिंग चालू, मेरे को इसका सिस्टम ही नहीं आता यार। लेकिन हम पता करने के लिए हम इसका पहले देखेंगे छन मनना क्या है क्या नहीं है। सही बात, ऐसा थोड़ा कोई भी आएगा कोई किसी को भी दे देंगे। अब मैं कैमरा बंद करूंगा, बोलेगा भाई बढ़िया हो गया, निकल अब यहाँ से घर जा।
देख ले तू, देख ले मेरे भाई, तू पक्का बोलेगा निकल ले। देखा, रख लेना जेब में। तो देखिए जो गोप्रो मिला भाई, टपाने लगे उसको। तो देखिए भाई, और 10 है भाई, किस्मत ऐसी कि 10 है। हो मैंने पढ़ लिया उसमें 10 है। तो अभी हमारे देव भाई पहाड़ी बाइकर की एक्टिंग कर रहे हैं। है ना उनके पक्का ऐसे नहीं बेब को बना दिया तुम भी। तो चलिए जी, अब मेरी वीडियो थोड़ी देर में अपलोड होने वाली, फिर मैं भी निकलता हूँ यहाँ से अब। तो देखिए जी आलोक भाई आए। क्या क्या बीत गई मेरे पे। भाई बंदा तुम्हारी एक्टिंग कर रहा था, तो स्वागत करता हूँ आपका। कैसा लगा सरप्राइज? क्या गजब बेइज्जती कर रही है। एक बात, मैंने गांव में एक लड़के को बोल के आ रहा था, मैंने चल तुझे यूट्यूबर से मिलाता हूँ, किससे मैंने कहा आलोक भाई आ रखा हूँ, ऐसी बोले मैंने तुक्के में। भगवान कसम बोल रहा हूँ। देखो भाई, देखिए जी देव भाई शौक हो गए एकदम भाई, अगर ऐसा गोप्रो मिलने लग गया ना रास्ते में। बंद कर लिया रिकॉर्डिंग, मैंने जानबूझ के ऑन कर रही थी लेकिन भाई ने वो बंद कर दी तब तक। यार बोल रहे तो ऑन हो रही केवल। तो कुल मिला के बात है, आज हमने काट दे इसका, ढंग से काट दे इसका। और देखो जिस बंदे की एक्टिंग कर रहा था वो बंदा भी आए रखा था, इससे पता चलता है कि फैन तो है भाई ये कट्टर, क्योंकि किसी और की एक्टिंग नहीं की, आलोक भाई की कर रहा था पहले। तो स्वागत करता हूँ आपका देव। कुछ और बोलता तो शायद आलोक भाई मार जरूर खाता आज। बच गया, आज बच गया भाई, ऐसे में कई बार लंका लग जाती है। चलिए जी, फाइनली वीडियो अपलोड करने के लिए आए थे, लेकिन ऐसे गप्पे मारते मारते 2-2.5 घंटे हो गए। बाकी अब देव भाई से अब विदा मांगते हैं, ठीक है भाई, मजा आया साथ में। तो चलिए चलते हैं, अब घर से फोन आ रहे कि खाना बनने वाला है, आ जाओ। चले आ रहे भाई, चलो फिर। चलिए जी, फाइनली घर आ गए हैं। और आलोक भाई से पूछते हैं, जब बाइक नीचे ला रहे थे तो कैसा लग रहा था भाई? ये भी ऐसा नहीं ना, वो खस खस हो रहा था। सच बताओ, एडवेंचर तो हो रहा था भाई पूरा, यानी कि सड़क से बाइक हमारे घर तक आते आते मतलब ठीक ठाक एडवेंचर हो जाता है। कैसा कहीं जाने की जरूरत। तो चलिए जी, दिन की 2 बज गए और अब खाना खाने का समय आ गया। आलोक भाई को भूख लग गई होगी। हाँ जी, थोड़ा बहुत थोड़ा नहीं बहुत, वो थोड़ा हटा दो। चलो चलिए जी, मैंने तो खा लिया, बाकी तीनों लोग खा रहे हैं। और माँ को अभी टाइम मिला खेत से आने का, अब खाएगी थोड़ी देर में, फिर खेत में चले जाएगी ना माँ। तो शाम की 6 बज रही है और हम थोड़ा सोए, उसके बाद अभी उठ रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा आलोक भाई को गांव में घुमा देता हूँ, तो इसीलिए हम चलते थोड़ा घूम लेते हैं। बाकी तुम भी उठ गए खड़े? पक्का? वो ये ऐसे सोते ही नहीं कभी। और भाई साहब की बात करें तो ये तो हमेशा आपको दिखेंगे ऐसी पोजिशन। हाँ जी, हेलो हेलो महाराज। चलिए जी, नाराज हो रखे मेरे से कि देखिए जी आगे से बादल घिर के आ रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा जल्दी जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। और वैसे भी कहते हैं मुंबई की फैशन और पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं कब बदल जाए। तो चलते चलते हम अभी आए हैं जहाँ से हम पानी लाते हैं, यानी कि हमारे गांव का जो प्राकृतिक स्रोत है। तो अभी मैं आलोक भाई को यहाँ दिखाने लाया। तो आलोक भाई कैसा लग रहा है यहाँ अभी? बढ़िया है, पानी बिल्कुल ठंडा भाई, बिल्कुल ठंडा, डरे का तो रहता ही है। सही बात है। देखिए जी, हमारे पहाड़ों में पैसों की कमी है, बाकी खाना और पीना यहाँ आपको ऐसे मिल जाएगा। शहरों के मुकाबले पहाड़ों में जीवन यापन करना वैसे कठिन है, लेकिन बहुत ही सरल स्वभाव में हो जाता है। और आलोक भाई ने आज वीडियो अपलोड करनी, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा नेट चलता है, तो मैंने सोचा आलोक भाई को वहाँ भी घुमा लेता हूँ पूरा। चलिए जी, अब निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए। बाकी भाई अब हमारे गांव में रुपाई लगना भी शुरू हो गया है, और किसी किसी लोगों ने तो लगा भी दी है। बाकी नहर में पानी इस बार ठीक आ रहा है। और भाई क्या हाल है? बढ़िया, ठीक है ठीक है। तो भाई पहले बच्चे बहुत शर्माते थे, लेकिन आज के बच्चे बहुत एडवांस हो चुके हैं, उनसे आप हेलो हाय करोगे तुरंत रिप्लाई देंगे। लेकिन हमारे जमाने में जब कोई बड़ा आदमी हमें मिलता था तो हम डर जाते थे और भाग जाते थे। ये फर्क पड़ता है समय के अनुसार। तुम्हारा? अच्छा तुम्हारे बैल है? कहाँ ले जा रहे हैं इनको? अच्छा रुपाई लगाए आज? तो ये बैल अभी रुपाई लगा के आ रहे हैं, और ये इन्हीं के बैल हैं। चलो, और हमें देख के ही बैल चल पड़े आगे। बाकी मैं आलोक भाई को वहाँ पे लाया हूँ जो मेरे गाँव से सामने पे नहर दिखती है। ये काफी लंबी नहर है, इस नहर से लगभग बहुत सारे गांव के खेतों की सिंचाई होती है। तो चलिए जी, अपने ड्रोन महाराज हमारे गांव का पूरा चक्कर मार के आ गए हैं, और अच्छे अच्छे शॉट लेके आए, बिल्कुल वो आपको आरोग भाई के चैनल पे दिखेंगे। और बाकी सभी लोग खेतों में काम कर रहे। तो पर एक बात है भाई, जो ड्रोन से जो व्यू आता है ना, काफी एक्सट्रीम लेवल वाला आता है भाई, काफी मजा आ रहा है। यानी कि उतना रियल में भी नहीं देख रहे हम जितना ड्रोन पे देख रहे हैं, मजा आ रहा है। पर हमें मिली अभी हिसूल जो कि 2 प्रकार की, एक तो काली वाली है और एक पीली वाली है। और जब हम छोटे छोटे होते थे, तो जब हम बैल चराने आते थे ना, तो सारे दिन भर इनको खाते रहते थे हम।
और कई बार तो पेट भी गड़बड़ हो जाता था। लेकिन बचपन था ना, एक दिन थोड़ा रोते थे पेट दर्द से, अगले दिन फिर से हिसूल खाने पे लग जाते थे। तो अभी आलोक भाई दिखा रहे मया, जो कि रुपाई में जब हल लगता है उसके बाद लगता है मया, जो कि मिट्टी को बराबर करता है। चलिए जी, फाइनली मैंने आलोक भाई को घराट के पास ला दिया है। तो आलोक भाई ने कहा था कि थोड़ा देख लेते हैं। एक्चुअली बहुत पहले होता था इनके गांव साइड, तो अब है नहीं है, उधर बहुत कम है, बहुत कम है ना के बराबर। लेकिन हमारे गाँव के दूसरे गाँव में जहाँ आ रखे हैं अभी दो घराट है, एक तो यहाँ नीचे पे है और दूसरा वो वहाँ सामने पे, वहाँ तो ताला लगा रखा है। तो इस वाले में देखते हैं, तो यहाँ से अगर हम खोलेंगे तो ये पानी सारा नीचे जाएगा। तो इसका मतलब अभी घराट चल रहा है, क्योंकि यहाँ बंद कर रखा है तो घराट जो पानी जा रहा है यहाँ भी चल रहा है। और इसको यूँ खोल के हम यहाँ लगाएंगे तो पानी इधर से नीचे और घराट बंद हो जाएगा, और पानी यहाँ फिल्टर होता है ताकि जो भी मोटा कबाड़ा हो वो इस जाली पर अटक जाए और पानी फिल्टर होकर नीचे चले जाए। इसके बीच में होता है एक मोटा पाइप जिससे पानी नीचे जा रहा है। और जो घराट पे जो पत्थर लगते हैं वो ये है, जब अंदर वाले पत्थर घिस जाएंगे तो इसका यूज़ होगा, और जो पत्थर घिस जाते हैं वो ऐसे किनारे पे रख देते हैं। फाइनली हम घराट के अंदर आ गए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं किसी ने यहाँ पे अनाज डाल रखा है, यहाँ से अनाज डालते हैं तो वो इसके सारे बाहर निकलता है। और जो लकड़ी है इसलिए रख रखी है क्योंकि ये जब घूमता है ना तो लकड़ी इस पे घर्षण करती है, फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा अनाज उसके बीच में जाता रहता है। और अभी आप देख सकते हैं इतना सारा आटा निकल गया, और जिनका निकल चुका है उनका यहाँ पैक कर रखा है, और जिनका निकल रहा है वो थोड़ी देर बाद आएंगे और इसको कट्टे में भर के अपने घर ले जाएंगे। यहाँ जो अभी पानी निकल रहा है वो जो घराट की जो टरबाइन है उस पर टकर रहा है और उसको घुमा रहा है, फिर वो पानी बाहर निकल रहा है। और जब पानी उस पर टकरता है तो घर्षण होता है, फिर जाके घट रिंगता है। और बाकी भाई घराट के आसपास लोगों ने यहाँ रुपाई भी लगा रखी है। तो चलिए जी, बकरी वाले भी अपनी बकरियों को चरा के अब घर आ गए हैं, और बाकी आलोक भाई को मिलने छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं। ये इसी गांव के, इन्होंने ड्रोन को उड़ते हुए देखा तो इन्होंने बोले ये छोटा हेलीकॉप्टर कहाँ से आ रहा है। तो कैसा लगा भाई, तुम जानते हो आलोक भाई को, वीडियो देखते हैं? तो देखिए जी, आलोक भाई के फैन यहाँ भी हैं। आलोक भाई आगे आगे जा रहे हैं, तो ये भी आलोक भाई के पीछे पीछे जा रहे हैं। चलो चलो, चलते बनो रे बाबा, चलते बनो। तो यही होता है बच्चों का प्यार और बच्चों का क्रेज। इस उम्र में तो भाई हम डरते थे बड़ों से, लेकिन भाई ये तो सीधे हमारे साथ ही आ रहे हैं भाई, ये सही है। तो देखिए जी, जितनी भी बकरियाँ होती हैं उनके सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो भोटिया कुत्ते होते हैं, यानी कि अगर कोई बकरियों पे हाथ लगाएगा तो ये एग्रेसिव हो जाएंगे। और इनके जो गले में लगा रखा है ये दांत वाला एकदम धारदार, हम इसको पाटा बोलते हैं, और ये इसलिए लगाते हैं ताकि अगर इन पे बाघ अटैक करेगा तो कुत्तों की जो कमजोरी होती है वो होती गर्दन, तो बाघ पहले गर्दन पकड़ता है, तो जब वो गर्दन पकड़ेगा तो उसके हाथों में वो कांटे चुभेंगे, इसलिए कुत्ता बच जाता है। तो चलिए जी, रात की 8 बज रही है और अभी हम आलोक भाई की वीडियो को अपलोड करने आ रखे हैं यहाँ पे, और हमारा जो गाँव है वो सामने है। तो आलोक भाई कितनी भी वीडियो अपलोड अभी बस होने वाली है 75 के आसपास होगी बस। हमारे यहाँ एक्चुअली नेटवर्क का इशू है तो यहाँ पे आ रखे हैं अभी, तो फिर हम यहाँ से थोड़ी देर में सीधे निकलेंगे भाई, वो है सामने गांव। अंधेरा भी हो गया भाई साहब, पहाड़ों में तो भाई खतरा भी है, हम तो डर भी रहे हैं आज, कुछ चिड़चिड़ हो रहा है झाड़ी में, बाघ का डर भी लग रहा है सांप का, सही बात है। चलिए जी, रात की 8:30 बज चुकी है और अब यहाँ गर्मा गर्म चाय ला दिया अनिता ने, बाकी आलोक भाई की वीडियो भी अपलोड हो गई। तो कैसा लग रहा भाई अब? बढ़िया लग रहा है भाई, गांव में तो जब वीडियो अपलोड होती है तो बहुत खुशी मिलती है, क्यों खुशी क्या की। और बाकी हम जो जा रहे थे वहाँ सामने पे जो लाइट है वहाँ पे बैठ रहे थे, तो